नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। दहेज के नाम पर मौत का सिलसिला जारी। दहेज के नाम पर एक नवविवाहिता की बलि चढ़े। परिवारी जनों को सूचना देने पर लाश को कहा अपना गिफ्ट ले जाओ, तो वही परिवारी जनों ने ससुराली जनों पर क्या आरोप लगाए, देखिए आज की खास खबर। आपके साथ क्या हो गया, अपना नाम बताइए। घर से कहने फोन आया, हमारे दीदी के बाद हम अपनी अम्मी वहाँ बैठे थे, तो फोन आया कि मेरे मुगल मुगल घर में था, तो कहने लगे दीदी से कहने लगे तोहफा यहाँ रखा है। किसने कहा? मुझे ससुर ने कहा। अच्छा, मुन्ना ने? हाँ, मुन्ना ने। तो उसके बारे में मुझे बताया, मुन्ना ने कहा यहाँ तोहफा रखा। तो हम लोग जैसे पहुँचे वहाँ ताला लगा था, और जैसे खोला वो कम्बल में लिखी हुई। हाँ, मुझे भी हुई। ये लोग कहाँ थे? ये सब नीचे बैठे थे, खाली शादी ऊपर था। अच्छा, हाँ। और बाकी सब कितने महीने हुए शादी के? 5 जून 2020 को, मतलब 7 महीने हो गए। तो क्या दहेज की इससे पहले भी मांग होती थी? वो टॉर्चर बहुत करते थे अपना। हमारे पास फोन आता था कि अपना जो कहा है वो दे दो अपना, वरना इन लोग और टॉर्चर करते। हम यहाँ से मरी के निकलेंगे, इन लोग हमको बहुत टॉर्चर करते थे। दहेज के लिए कहते थे, मतलब गाड़ी के लिए हमने कहा था हम देंगे, हमने जो वादा करा हम देंगे। अभी नहीं है मेरे पास, अभी हमने 15 दिन पहले सोफा ओपो भी दिया था अपना, ताकि इनके पास हमने दिए थे। हमने हालात में ऐसे नहीं, और कहने पापा ना घर भेजते थे, हम जब जाते थे तो हमसे मिलने भी नहीं देते थे। हम साथ में जिसकी शिकायत आपने कहीं की थी, क्या उसकी शिकायत कहीं की थी? वो तो जाए मतलब मोहल्ले वालों से कह के महीने में किसी के पति नहीं आते आना जाना। आप अपने लोगों से कह के उनसे दबाव डालते थे, बात नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे। तो हमने महिला वाले कहा नहीं, कई लोगों से मतलब उन लोगों से कहा कि दहेज देंगे, हमारी लड़की को मारपीट ना करो। हाँ दिया, अच्छा। लेकिन फिर भी उसके बाद उन लोगों मारपीट करते रहे। अच्छा खासी दहेज दिया है, अपने लिमिट से ज़्यादा दिया। दो चीज़ें रह गई थी, मैंने लिखवाई थी। क्या रहेगा थी? गाड़ी वो रहेगा कि हम देंगे, मतलब गाड़ी की डिमांड थी। पहले 2 पहिया की हम देख करिए, पापा हमने उन लोग 4 पहिया की देना, मतलब 4 पहिए की गाड़ी चाहिए आपको, उनको कार चाहिए। हाँ, तो न मिलने पर उन्होंने आपकी लड़की को जला के मार डाला, जिसकी शिकायत अब तालकटोरा थाने में क्या हुआ, रिपोर्ट की आपने? मतलब वो लोग मुकदमा हो कायम, आपकी लड़की पोस्टमार्टम की रहे, आप पुलिस के उससे संतुष्ट हैं, कार्रवाई कर रही है पुलिस? जो कार्रवाई करे, जो उठा के ले गई, सबको बंद करा है कि नहीं किया है, क्या है ये पूरा पता नहीं। दहेज के चक्कर में एक और बलि चढ़ी कि जो उनका जो आपको मेन दूल्हा उनका है, जो लड़की लड़की चली है, उसका भी हस्बैंड पता नहीं चल पा रहा है कि पुलिस के रेस में कि कहाँ पे क्या है, उनको तत्पर नहीं हो पा रहा है। ना पुलिस बता रही है हम लोग कि कहाँ पे क्या कौन है, कहाँ। अभी हस्बैंड अरेस्ट नहीं हुआ है, अभी पता नहीं चल पा रहा है, अभी पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, ये लड़के वाले करते क्या थे? लड़के वाले प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे, प्रिंटिंग प्रेस में। हाँ, ठेका उठाते थे। हाँ, ठेका उठाते। और जब कल हम लोगों को जहाँ पे चलाया गया वहाँ पे जाने भी नहीं दे रहे थे अंदर, कि हम लोग जाके देखें जा करके, बॉडी उठा करके गेट के बाहर डाल दी गई, ना उसको कोई हॉस्पिटल ले गए, 1 घंटा वहीं पड़ी रही। और जब पहुँचे मरीज मर चुकी थी, वो उसको फर्जी दिखाया गया कि ट्रामा सेंटर लेके जा रहे हैं, सिविल लेके जा रहे हैं, बलरामपुर लेके जा रहे हैं, सरासर चुतिया बनाया गया। पूरी जनता है तो क्या ये विड्रॉ में चली जाएगी? बताइए, सब उनके जेब में कहते थे हम लोग पैसे वाले हैं, तुम लोग गरीब हो, तो क्या कहते थे मेरा घर जन्नत है, मेरा घर जन्नत है, हम लोग जो मरेंगे